जय श्री राम दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे गौ महिमा और संत के मूल्य की। एक दिन च्यवन ऋषि संगम में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। एक बार मछुआरों ने संगम में बहुत बड़ा जाल लगाया। जब उन्होंने जाल को बाहर खींचा तो उसमें कई जलीय जंतुओं के साथ ऋषि को भी देखा। जब मछुआरों ने ऋषि को देखा तो हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे, पर ऋषि ने कहा कि इन जीवों को छोड़ दो तभी मैं भी जीवित रह पाऊँगा। यह बात राजा नहुष तक पहुँची। राजा ऋषि के प्रताप से परिचित थे। वह दौड़े दौड़े ऋषि के पास आए और विनम्रतापूर्वक उनसे पूछा, ऋषिवर क्या आज्ञा है? ऋषि ने कहा, ये मछलियाँ मछुआरों की रोजी रोटी का साधन है, मछुआरों को इनका मूल दें और इन्हें मेरा मूल्य भी दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं 1000 मोहरे मछुआरों को देता हूँ। च्यवन ऋषि ने कहा, क्या मेरा मूल्य इतना ही है? तब राजा घबरा गए और बोले, मैं पूरा राज्य ही उन्हें दे देता हूँ। ऋषि प्रसन्न हो गए, पर उन्होंने राजा से कहा, मेरा मूल्य किसी ऋषि से पूछो, वह तुम्हें बता देंगे। राजा वहाँ गोजात मुनि के पास गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, जिस प्रकार धरती पर गाय अमूल्य है उसी प्रकार संत अमूल्य हैं, इसलिए तुम गोदान करके मूल्य चुका सकते हो। तब राजा ने ऋषि च्यवन को एक दुधारू गाय दान में देते हुए कहा, हे तपस्वी, मैं इस गौ के माध्यम से आपका मूल्य चुका रहा हूँ। इसके अतिरिक्त दूसरा श्रेष्ठ धन मुझे पृथ्वी पर नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।